पॉइंट प्रोग्राम में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे क्या है मिशन कर्मयोगी। सबसे पहले जानेंगे ये चर्चा में क्यों है। हाल ही में सुशासन दिवस के अवसर पर मिशन कर्मयोगी का एक विस्तारित संस्करण लॉन्च किया गया। चलिए अब जानते हैं मिशन कर्मयोगी के बारे में। राष्ट्रीय सिविल सेवा क्षमता विकास कार्यक्रम यानी नेशनल प्रोग्राम फॉर सिविल सर्विसेज कैपेसिटी बिल्डिंग मिशन कर्मयोगी की शुरुआत वर्ष 2020 में हुई थी। यह सिविल सेवक प्रशिक्षण को आधुनिक बनाने हेतु भारत सरकार द्वारा किया गया एक प्रयास है। इसका उद्देश्य व्यक्तिगत, संस्थागत और प्रक्रिया स्तरों पर सिविल सेवा क्षमता निर्माण हेतु नवीन राष्ट्रीय संरचना स्थापित करना है। इसमें सिविल सेवा सुधारों के लिए एक नागरिक केंद्रित दृष्टिकोण अपनाया गया है। मिशन कर्मयोगी निम्नलिखित 6 स्तंभों पर आधारित है: नीतिगत ढांचा, संस्थागत ढांचा, दक्षता ढांचा, डिजिटल लर्निंग फ्रेमवर्क आई गॉट कर्मयोगी यानी एकीकृत सरकारी ऑनलाइन प्रशिक्षण कर्मयोगी प्लेटफॉर्म, इलेक्ट्रॉनिक मानव संसाधन प्रबंधन प्रणाली, निगरानी और मूल्यांकन ढांचा। चलिए अब देखते हैं मिशन कर्मयोगी की विशेषताएं। एक दक्षता ढांचा जो सिविल सेवाओं में विभिन्न भूमिकाओं के लिए आवश्यक विशिष्ट योग्यताओं की पहचान करता है। आई गॉट कर्मयोगी प्रशिक्षण और विकास हेतु एक केंद्रीकृत और एकीकृत प्लेटफॉर्म प्रदान करने वाला एक डिजिटल प्रशिक्षण प्लेटफॉर्म है। यह प्लेटफॉर्म सिविल सेवकों के लिए ऑनलाइन पाठ्यक्रम, प्रशिक्षण कार्यक्रम और संसाधन प्रदान करता है। यह सिविल सेवकों के लिए व्यक्तिगत विकास योजनाओं यानी IDP के निर्माण पर जोर देता है। मिशन प्रतिष्ठित राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों, उद्योग विशेषज्ञों और शिक्षाविदों के साथ सहयोग को प्रोत्साहित करता है। मिशन के हिस्से के रूप में एक व्यापक सिविल सेवा दक्षता एटलस विकसित की गई है जो शासन के विभिन्न स्तरों पर आवश्यक योग्यताओं का विस्तृत मैपिंग प्रदान करता है। अंत में देखेंगे मिशन कर्मयोगी का विस्तार। IGOT प्लेटफॉर्म की नवीन विशेषताएं। MyIGOT यह प्लेटफॉर्म चिन्हित अधिकारी की अद्वितीय क्षमता निर्माण आवश्यकताओं को संबोधित करता है। उद्देश्य, विशिष्ट अधिकारी के होम पेज पर लक्षित प्रशिक्षण पाठ्यक्रम प्रदान करना। मिश्रित कार्यक्रम, उद्देश्य सभी स्तरों पर प्रशिक्षण पद्धतियों तक समान पहुँच की सुविधा प्रदान करना और पारंपरिक ऑफलाइन व्यक्तिगत रूप से क्लासरूम को ऑनलाइन शिक्षण अवयवों के साथ एकीकृत करना। क्यूरेटेड प्रोग्राम, इसे मंत्रालयों, विभागों और प्रशिक्षण संस्थानों की विविध शिक्षण आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए डिजाइन किया गया है। विकास, वेरिएबल एंड इमर्सिव कर्मयोगी एडवांस सपोर्ट पहल, इसका उद्देश्य केंद्रीय सचिवालय में मिडिल मैनेजमेंट के लिए सिविल सेवकों की क्षमता का निर्माण करना है। IGOT में 33 घंटे का मिश्रित कार्यक्रम और 30 घंटे का ऑफलाइन प्रशिक्षण भी शामिल है। इसमें केंद्र सरकार की आवश्यक कार्यात्मक, व्यवहारिक और तकनीकी दक्षताओं के विकास पर ध्यान दिया गया है। तो चलिए देखते हैं आज के अभ्यास प्रश्न को। मिशन कर्मयोगी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक, इसका उद्देश्य सिविल सेवा के कामकाज में सुधार लाना है। दो, यह प्रशासन की केंद्रीकृत प्रणाली को मजबूत करने पर आधारित है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा या कौन से सही है या सही है? ए केवल एक, बी केवल दो, सी एक और दो दोनों, डी न तो एक और न ही दो। इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में जरूर दें। आज के लिए बस इतना ही। शुक्रिया।